क्या आप भी पेट की बढ़ी हुई चर्बी से परेशान हैं? आपको भी पेट में कब्ज और गैस बनते हैं? शरीर लगता है कि भारी भारी है, शरीर मोटा है। तो आप कुछ आसनों को कीजिए, मैं बता रहा हूँ, आपके फैट कम होंगे, आपकी पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी इतना ही मेहनत करना पड़ेगा कि मेरे साथ आसनों को करना पड़ेगा। और मैंने आपको जीरे का प्रयोग कुछ दिन पहले बताया था, पहले वीडियो में, आप उसका भी प्रयोग करें और मैं जो आसन बता रहा हूँ उसका आप प्रयोग करें, तो आप देखेंगे कि पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम आपकी हो गई। आपके पेट में ज़्यादा कब्ज बनता था, गैस बनता था, वो भी कम हो गए। मन भारी भारी रहता था, मन लेजनेस महसूस करता था, वो भी समाप्त हो गए। तो आप कुछ आसनों को कीजिए और काफ़ी लाभ उठाइए। तो मैं विद्याभूषण अपने यूट्यूब चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी न भूलें। तो आइए हम कुछ आसनों को बताता हूँ जिससे आपके बढ़ी हुई पेट की जो चर्बी है वो कम हो सके, पेट में अगर ज़्यादा गैस बनता हो, कब्ज बनता हो, वो दूर हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहले बॉडी को हम गर्म करते हैं और फिर उसके बाद कुछ आसन हम आपको बताते हैं, आप उसको कीजिए, काफ़ी आपको फायदा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपने स्थान पे पहले खड़े हो जाएंगे। खड़े होके सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कमर पे हाथ रखेंगे और धीरे धीरे जंप करेंगे अपने स्थान पे, जितना आप जंप कर सके धीरे धीरे जंप कीजिए। पूरा गोल गोल घूम सकते हैं ऐसे। एक ही जगह जब हाथों को खोलेंगे ऐसे साइड से, पूरा गोल गोल घूम सकते हैं। जब बॉडी को ट्विस्ट करते हुए जंप, यानी इस प्रकार आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। साइड से खोला हाथ को, फिर नीचे श्वास लिया छोड़ा लिया छोड़ा। एक बार और करते हैं। लगभग आपको 5 मिनट करना है, मैं कम कम बता रहा हूं और, लेकिन आपको कम से कम 5 मिनट करना है इस प्रकार जैसे मैंने अभी किया। उसके बाद आपको क्या करना है कि बॉडी को ऊपर नीचे ऐसे तांगना है और फिर नीचे लाना है, यानी तड़ासन। श्वास लिया छोड़ा लिया छोड़ा, आप ऊपर नीचे, यानी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, यानी आपको आना है जाना है कम से कम 15 से 20 बार। उसके बाद पैरों में गैप दे करके और एक बार लेफ्ट साइड डाउन और एक बार राइट साइड डाउन, तो आपकी ये साइड के जो बढ़ी हुई मसल है, यानी पैर के या साइड का, ये फैट कम होंगे।
यानी दोनों तरफ श्वास को छोड़ना है और बीच में श्वास को लेना है। जैसे श्वास लिया और छोड़ा, लिया और छोड़ा, यानी ये अभ्यास आपको 25 बार लेफ्ट और 25 बार राइट। शुरुआत में आप कम कर सकते हैं, आप 10 राउंड 10 बार लेफ्ट और 10 बार राइट कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही आपका नेक्स्ट डे आए, यानी आज किया फिर कल किया फिर परसों किया, तो आप बढ़ाते जाएंगे 10 20 25 ऐसे करके बढ़ाते जाइए और आप लगभग 50-50 बार ऐसे कीजिए। तो आप देखेंगे आपकी बढ़ी हुई साइड का जो मसल्स है, चर्बी है, वो कम होगा। पेट में ज्यादा कब्ज बनता हो, गैस बनता हो, वो कम होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अब हम फॉरवर्ड बैंडिंग करेंगे, आगे झुकेंगे, फिर कमर को पकड़ेंगे और पीछे झुकेंगे। श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, तो इसके इससे क्या होगा कि आपके पेट की जो बढ़ी हुई चर्बी है वो कम होगा। श्वास लेने छोड़ने में प्रॉब्लम होगा वो भी कम होगा। पेट में गैस बनता हो, कब्ज बनता हो, वो भी दूर होगा। पेट में भारीपन लगता है वो भी कम होगा। तो फिर आइए करते हैं। एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर आपको कमर में दर्द होगा तो आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है? अगर कमर में दर्द नहीं है और आपका वेट ज्यादा है, आपका फैट ज्यादा है, तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन कमर में पेन है वो नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज सब लोग कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे कम से कम 50 से 100 बार करेंगे तो आपकी पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होगा। इसके बाद हाथ को ऊपर किया और फिर नीचे किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसके बाद थोड़ा सा पैरों में गैप दे लेंगे और हाथ को ऊपर और अंदर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यानी जब नीचे की तरफ हाथ को लेके जाएंगे तो पेट पर दबाव पड़ेगा, तो पेट की बढ़ी हुई जो मशक है या चर्बी है वो कम होगा। पेट में ज्यादा गैस बनता हो, कब्ज बनता हो, वो भी दूर होगा। तो श्वास लिया और छोड़ा, वन यानी इस प्रकार आपको करना है, यानी श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, श्वास लेना श्वास को छोड़ना। आइए फिर करते हैं 5 से 10 राउंड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इस प्रकार आपको खड़े होकर के एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद हम लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। लेट के किए जाने वाले अभ्यास में हम पौन उत्तासन का अभ्यास करेंगे। सीधा लेट जाएंगे, लेट पौन को फोल्ड किया, नाक से टच किया, वन टू, यानी एक बार लेट पांव के घुटने को टच करना है, एक बार राइट पांव के घुटने को टच करना है, वन टू थ्री फोर। एक एक पैर से कम 20-20 टाइम्स, यानी 20-20 बार करना है आपको। इसके बाद दोनों पैर के घुटने को पकड़ा,
ऊपर नीचे ऐसे आइए और सही है। अगर आपको बैक में पेन महसूस ऐसे कम से कम 15 से 20 बार ऊपर गए नीचे आए ऊपर गए नीचे आए तो इससे आपकी पेट की बढ़ी हुई चर्बी ऑटोमेटिक कम होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं बैठा हूं दंडासन में यानी पैर को सीधा करके ऐसे बैठना है और फिर नीचे जाना है फिर ऊपर आकर के हाथ को पंजे से पकड़ते हुए नाक को घूमने से टच करना है ऐसे 1 2 3 यानी नीचे गए फिर ऊपर आए श्वास छोड़ते फिर नाक को घुटने से टच करना है 1 2 ऐसे आपको 15 से 20 बार करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों हाथ को सर के नीचे रखना है 1 2 3 4 5 ये अभ्यास करने में आपको हो सकता है कि शुरुआत में दिक्कत हो लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे आराम से हो जाएगा। तो शुरुआत में आप ज्यादा ना करेंगे धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे और अभ्यास लंबे समय यानी ज्यादा टाइम करेंगे तो आपके जो फैट है आपकी बढ़ी हुई चर्बी है वो कम होगा दूर होगा। आइए 2-3 बार और इसका अभ्यास करते हैं 1 2 हाथ को तड़ासन में भी ऊपर खींचते हुए ऐसे तीसरे गांव में जाएंगे यानी पहले हमने आपको क्या बताया था यानी हाथ यही रहेगा 1 2 यानी नीचे गए फिर उसके बाद मैंने यहां हाथ रख करके बताया आपको और फिर इसके बाद दोनों हाथ को तड़ासन में पूरा बॉडी को खींचते हुए आना है और टच करना है ऐसे ये मैंने आपको बताया था। तो इसका आप अभ्यास करें फिर इसके बाद एक आसन और कर लेंगे जिसे हम नौकासन कहते हैं। पेट पर दबाव पड़ेगा तो पेट की बढ़ी हुई आपकी चर्बी कम होगा कुछ देर होल्ड रहेंगे फिर और इस प्रकार बैकवर्ड बढ़ने वाला पेट के बल लेट करके एक दो आसन कर लेंगे। पहले भुजंगासन ऐसे श्वास भरा आसमान को देखा फिर डाउन। इसके बाद दोनों पैरों को पकड़ के और सर को ऊपर उठाना है धनुरासन में। एक बार और देख लीजिए बढ़िया से ये पैर को पकड़ा बॉडी को ऐसे उठाए एक बार और आराम से बैठ जाएंगे। वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे। इसके बाद आप कपालभाति का अभ्यास कर लेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट लेकिन अभी मैं आपको यहां पे 2 मिनट करके बताऊंगा। श्वास को केवल एक्सहेलेशन यानी श्वास को छोड़ना होता है। इसमें श्वास लेने की प्रक्रिया स्वतः हो जाती है। जैसे देखिए एक हाथ मैंने पेट पर रखा है दाहिने हाथ को श्वास मैं छोड़ रहा हूं तो पेट हमारा हाथ अंदर बाहर आएगा जाएगा। लगे थकान हो रही है तो रुक जाइए फिर स्टार्ट कर दीजिए। आपके पेट में ज्यादा कब्ज बनता है गैस बनता है वो भी दूर होगा पेट की बढ़ी हुई चर्बी उसका भी समाधान होगा। अगर आपके क्या बोलते हैं कि शुगर है आपको बीपी है वो भी कंट्रोल होगा। हाँ लेकिन इतना ध्यान देना है कि आपको हृदय से संबंधित रोग है आपको बीपी है तो इस अभ्यास को बहुत धीरे धीरे करेंगे यानी 1 सेकेंड में एक बार श्वास को धक्के से मारा ऐसे पुश
एक सेकेंड में, दो सेकेंड में, यानी आप थोड़ा सा रुक करके श्वास को छोड़ेंगे। यानी बहुत धीरे धीरे अभ्यास। अगर आपको दिक्कत है तो, और कोई दिक्कत नहीं है, केवल फैट है, बड़ी हुई पेट की चर्बी है, तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। यानी एक राउंड में कम से कम 50-100 स्ट्रोक तक आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही 50-50 बार का आप कम से कम 10 राउंड कर लेंगे तो 250 राउंड हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर 15-20 बार कर लेंगे तो आराम से 500 राउंड तक हो जाएगा, 500 स्टॉक तक आपका कपालभाति का अभ्यास हो जाएगा। तो आप इसका अभ्यास करें तो आप देखेंगे पेट की बढ़ी हुई चर्बी और जो भी समस्या है गैस का, कब्ज का, ये तो आम समस्या है, रोज हम खाना खाते हैं तो पेट में कब्ज गैस बनने लग जाती है, वो भी हमारी अनियमितता के कारण। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुबह सुबह आप गर्म पानी पीजिए, उसके बाद आप वॉशरूम जाइए, 3 आसन कीजिए, तड़ासन, त्रिकटासन और कटी चक्रासन, उसके बाद आप वॉशरूम जाएंगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर अगर ज्यादा पेट में बड़ी हुई चर्बी है तो जीरे का मैंने प्रयोग बताया था, आप वो कीजिए, और फिर जो आज मैंने अभ्यास बताया आप इसको कीजिए, आपको लाभ 100% होगा। और ये लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिलेगा, आपकी पेट की बड़ी हुई चर्बी और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो दूर होंगी। बस इतना गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको अच्छा लगता है तो सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।